स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रेज पे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों आज से हम BARC, NPCIL, NFC, NMDC और IGCR में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होने हैं ना, उनके लिए साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि BARC, NPCIL, NFC, NMDC और IGCR की एग्जाम डेट आ चुकी है। दोस्तों आपके एग्जाम कंडक्ट होने से पहले तक मैं आपको साइंस, मैथ और करंट अफेयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा ताकि आपके सभी दोस्तों की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो डेली प्रोवाइड कराता रहूँगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे आपको बताना है। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे एक परमाणु बना देता हूँ, परमाणु पे क्या क्या होता है, परमाणु पे इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इतने तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और दोस्तों मैं आपसे यदि पूछूं कि क्या इलेक्ट्रॉन में कोई भार होता है, तो आप सभी लोग का आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है तो भारहीन कण है, इसका कोई भार नहीं होता है। तो बचे क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे। तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है किसके बराबर होती है, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे होती हैं, आपको बताना है कि जो प्रकाश की तरंगे होती हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो किस प्रकार की तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, खनिज अम्ल जो है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को खनिज अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। यदि क्वेश्चन पे पूछ लेते कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहाँ पे भी इसका राइट आंसर रहता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे टार्टरिक अम्ल आया है, तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो है तो इमली में पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, ठीक है ना। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्कार्बिक अम्ल आए हैं, तो आप सभी लोग बताएं स्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कार्बिक अम्ल। सो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग को बताना पड़ेगा कि अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, आप सभी लोग को बताना है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम पे पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यदि यहाँ पे पूछ लेते कि अपचयन में क्या होता है, तो अपचयन में जो है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो इतना आप सभी लोग को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोजन मिश्रण है, आपको बताना है कि जो कार्बोजन मिश्रण होता है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, कार्बोजन मिश्रण में अब क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप सभी लोग को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कार्बोजन यानी कि कार्बो मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जन मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कार्बन मिश्रण में क्या होता, कार्बोजन मिश्रण में क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं 3-4 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, तो आपको उसे नोट कर लेना है। यदि क्वेश्चन पे पूछता है कि
भाप अंगार गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। भाप अंगार गैस में क्या क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यदि क्वेश्चन पे पूछता है कि भाप अंगार गैस में क्या क्या होता है, तो आप सभी लोग बताएं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाप अंगार गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होते हैं। तो क्या करना है आपको, इसे नोट कर लेना है। भाप अंगार गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है। इसके बाद बात आती है प्रोड्यूसर गैस। आपने सुना होगा प्रोड्यूसर, ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। आपको बताना है कि जो कुष्ठ रोग होता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों यदि आपको नहीं पता है कि जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो यहाँ पे एक आईटी पर होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, तो आप सब लोग समझ गए होंगे जीवाणु से कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है। आपको बताना है कि जो प्रेशर कुकर होता है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बहुत अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक प्रेशर कुकर है, ठीक है ना, ये प्रेशर कुकर है, इसके अंदर क्या होता है, दाब बहुत अधिक होता है, तो इसके अंदर जो भी जल रहता है ना, जल का क्वथनांक यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है, दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान का काम करता है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कर्ण की आवृत्ति कितनी होती है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, मानव कर्ण के सुनने की आवृत्ति कितनी होती है, तो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो इतना आप सब लोग को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो दर्पण जो है तो कितने अंश के कोण पर झुके हुए हैं, 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों के जो प्रतिबिंब बनेंगे इनकी संख्या कितनी होगी, आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग को समझ लेना है। दोस्तों यदि यहाँ पे क्वेश्चन पे कोणों की संख्या सम दी रहती है, सम मतलब जैसे 30 दिया है, 60 दिया है या फिर 90 दिया है, ये जो है तो कोणों की सम संख्या कहलाती है। और यहाँ पे विषम दिया रहता है, विषम यानी कि यहाँ पे 45 दिया है, ठीक है, इस तरह से कोणों की संख्या दी रहती है तो ये विषम संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, सम दिया है, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम के लिए फॉर्मूला होता है 360 / थीटा। थीटा की जगह अपन क्या रखते हैं, जो भी यहाँ पे कोण दिया रहता है, मैं यहाँ पे सम के लिए बता रहा हूँ ना, तो अपन क्या करते हैं, सम के लिए अपन क्या करते हैं, 360 में थीटा का भाग दे के एक को घटा देते हैं, ठीक है। आप सब लोग समझ गए होंगे, जैसे कि यहाँ पे कोणों की संख्या यदि सम दे देता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 360 / θ - 1 होता है। और यदि यहाँ पे विषम दिया रहता है तो विषम में अपन कुछ नहीं करते, अपन क्या करते हैं, 360 में थीटा को डिवाइड कर देते हैं, थीटा यानी कि जो भी कोण दिया रहता है। तो सम में क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं और विषम पे कुछ नहीं करते हैं। तो इतना आप सभी लोग को नोट कर लेना है, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, क्वेश्चन पे यहाँ पे सम दिया है ना, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया था, तो सम के लिए फॉर्मूला होता है 360 / θ की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा की जगह यहाँ पे लिखा है 60, तो अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, 60, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, -1 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 बार में भाग चला जाएगा और यहाँ पे आएगा 6 - 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है और इसके आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 15 अंश के कोण पर झुके हैं,
कितने अंश के कोण पर झुके हैं? 15 अंश के कोण पर झुके हैं। यदि दोनों दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी सही देगा उसके नाम को मैं नेक्स्ट वीडियो पे पब्लिश करूंगा। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, इस तरह से मेरे को समझ आता है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ उस आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आपसे नहीं आता है ना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे जरूर बताऊंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे पूछ लेता कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो आप सभी लोग सही बता देते। तो आपको बताना है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पर पूछ लेते हैं कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल पे है। इतना आप सभी लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतना आप सभी लोग को याद रखना है। अब बात आती है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है, लद्दाख पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग से क्वेश्चन है, आप सभी लोग को बताना है कि लद्दाख की राजधानी क्या है। आपको बताना है कि लद्दाख की राजधानी क्या है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे एक क्रम से चाहिए। दोस्तों, आपके एग्जाम पे अब इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाने लगे हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रतिरोध लगे हैं इस तरह के, ये किस क्रम में लगे हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो प्रतिरोध लगे हैं ना, किस क्रम में लगे हैं, समांतर श्रेणी के क्रम में लगे हैं। किस क्रम में लगे हैं, समांतर श्रेणी के क्रम में लगे हुए हैं। और जब भी प्रतिरोध जो है तो समांतर श्रेणी में होते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रभावी प्रतिरोध बराबर यहाँ पे जितने भी प्रतिरोध दिए रहते हैं उनको अपन जोड़ देते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस तरह से दोस्तों आगे सीरीज बढ़ती जाती है। तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस प्रतिरोध को अपन R1 नाम दे देते हैं, इसको अपन R2 नाम दे देते हैं, इसको अपन R3 नाम दे देते हैं, और इसको अपन दे देते हैं R4। ठीक है, और यहाँ पे जो R है ना, R ये क्या, यहाँ पे क्या है, प्रभावी प्रतिरोध है, जैसे अपन को ज्ञात करना है। सो आई होप आप सभी लोग फॉर्मूले को समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग बताएं, यहाँ पर आ जाएगा वन बाई आर, यहाँ पर आ जाएगा वन बटे वन, और यहाँ पर आ जाएगा वन बटे टू, यहाँ पे आ जाएगा वन बटे फोर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन बटे एट। ठीक है, जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आठ, यहाँ पे आ जाएगा चार, यहाँ पे आ जाएगा दो, और यहाँ पे आ जाएगा एक। जब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पंद्रह बटे आठ। ठीक है, तो यहाँ से एक बटी आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक बटी आर की वैल्यू आ गई पंद्रह बटे आठ। और दोस्तों, आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी पे 15 बटे 8 को ही यहाँ पे करेक्ट आंसर करके आ जाओगे, जो कि पूरी तरह से गलत आंसर है। क्योंकि दोस्तों, अपन को क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिरोध यहाँ पे सिर्फ R की वैल्यू को अपने को ज्ञात करना है। अपने को क्या करना है, सिर्फ R की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो R की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक बटे आर दिया ना, यहाँ पे एक बटे आर की वैल्यू कितनी है, 15 बटे 8 है। तो यहाँ पर से अपन जब R की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 बटे 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे श्रेणी क्रम में दिया रहता है, यानी कि इस तरह से दिया रहता प्रतिरोध, इस तरह से दिए रहते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके फॉर्मूले को मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब भी प्रतिरोध जो है तो श्रेणी क्रम में दिए रहते हैं, यानी कि एक क्रम से दिए रहते हैं, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। तो यहाँ पे मैं एक प्रतिरोध लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 ओम, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 ओम, और यहाँ पे लिख देता हूँ 4 ओम। तो यहाँ इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज,
और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एग्जामब्रिज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मैं रेगुलर क्विजेस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पर संपर्क कर सकते हैं।